आज हम अपने प्रथम वर्ष के अंतर्निर्धारित पाठ्यक्रम में हिंदी शिक्षण क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हिंदी शिक्षण से तात्पर्य है कि भाषा जो है मानव जीवन की एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है। इससे बच्चा अनायास खेल खेल में सीखने लगता है, लेकिन ये बचपन की अवस्था में अच्छा लगती है। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पे हमें एक सिस्टम से एक निर्धारित समय के अंतर्गत हमको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें उसमें हिंदी भाषा के शिक्षण किस प्रकार से किया जाए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य है, जिसमें पहला है कि शुद्ध सरल स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों को विचारों को एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके, ये सबसे पहली विशेषता इसकी होती है। दूसरा जो है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके। मैंने हिंदी ऐसी विषय है इसको हम बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे उसमें रसानुभूति सौंदर्यानुभूति का अनुभव करते हैं और उसमें खो जाते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने अपने इस विषय को बहुत ही सरल और आनंद के साथ बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों के मानसिक सुख दुख भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त करना भी सिखाना चाहिए। जैसे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर कोई खुशी का माहौल है तो वहाँ पे खुशी की तरह अपने भाव को व्यक्त करें, अगर दुख का माहौल है तो दुख या शोक का माहौल है तो शोक के प्रति अपने भावों को उत्पन्न करें। तीसरा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए और मनोरंजन के लिए पढ़ना लिखना सिखाना, गद्य और पद्य में निहित आनंद और चमत्कार से परिचय प्राप्त कराना, पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना तथा बालक की स्वाध्यायशीलता के प्रति रुचि उत्पन्न करना मातृभाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसे ये सब जो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, अगर इतने अच्छे से या इतने रोचक पूर्ण ढंग से अगर हम न पढ़ाएं तो हिंदी भाषा का शिक्षण सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसमें अगली विशेषता है आपकी कि क्रमबद्ध विचार प्रणाली भाव अभिव्यंजन में दक्ष बनाना, मैंने उनके अंदर जो है विचारों का जो क्रम है वो सही प्रकार से आपस में जोड़कर बताना। अगला है बालकों के शब्दों वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के कोष में वृद्धि करना। हम जब हिंदी शिक्षण करते हैं तो बीच बीच में मुहावरे भी आते हैं, बीच बीच में लोकोक्तियाँ भी आती है, वहाँ पे कहावतें भी आती हैं और विभिन्न प्रकार के शब्द भी आते हैं जिससे बालक थोड़ा सा असहज महसूस करता है। तो वहाँ पर अध्यापक का कर्तव्य है कि उन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पे या सैंपट पे उसको लिखे और लिख के उसके शब्दों का अर्थ बताएं, उस शब्दों के अर्थ के साथ उसका प्रयोग बताएं और मुहावरा है तो मुहावरा का अर्थ बताते हुए उसके वाक्यों में प्रयोग करें। यही जो हिंदी शिक्षण के अंदर हिंदी अध्यापक की सबसे विशेषता होती है। और अगला विशेषता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो यह उनको शुद्धता एवं गति के निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना। शुद्धता से तात्पर्य कि हम अपनी कक्षाओं में भी हम बार बार आप लोगों को ये चीज़ का टोकते हैं कि शुद्ध उच्चारण कीजिए, सही लिखिए, क्योंकि अगर वर्तनी आपकी सही नहीं रहेगी तो आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो इसीलिए वर्तनी जब सही लिखेंगे तो उच्चारण भी शुद्ध करेंगे। इसीलिए अध्यापक को चाहिए हिंदी शिक्षक अध्यापक की मात्राओं को बच्चों को ज्ञान दें, वर्णमालाओं का ज्ञान दें जिससे कि हिंदी शिक्षण का विकास हो सके। और अगली विशेषता इसकी यह है कि ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण करना। जब तक हम ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के अंदर नहीं भरेंगे, उनके निरंतर विकास नहीं करेंगे तो उनका चरित्र विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि केवल विद्वान बनना ही बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता नहीं कही जाती है, बालक के अंदर अगर बौद्धिक के साथ साथ उसका अगर चरित्रिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है तो हमारा शिक्षा वहाँ पे लाभप्रद होगी।
अगली विशेषता इसकी है, विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर उनकी उपयुक्त शैली के विकास में सहायता करना। विभिन्न शैलियों से मतलब है कि जहाँ पे हम कोई भी गद्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत प्रकार की शैलियाँ होती है, काव्य शैलियाँ होती हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो उन शैलियों का भी एक अध्यापक जो हिंदी शिक्षक अध्यापक कर्तव्य होता है कि उन शैलियों के बारे में वर्णन करें कि वहाँ पर किस प्रकार का प्राचीन शब्द प्रयोग किया गया है, विलोम शब्द प्रयोग किया गया है, या नकार्थी शब्द प्रयोग किया गया है, या मुहावरा प्रयोग किया गया है, या अलंकार प्रयोग किया गया, रस प्रयोग किया गया, ये सब अध्यापक को बताना चाहिए, जिससे कि उस गद्यांश का या पद्यांश का पूरा भाव सामने प्रकट हो। ये सब हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें और भी विशेषताएं हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के उस साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना, जिससे कि वो अपने अवकाश के समय में सदुपयोग द्वारा अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को सुसंकृत एवं सुखी बना सके। जैसे भी हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसमें लॉकडाउन जो महामारी के कारण हमारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो रेगुलर क्लास नहीं चल रही है, तो हमारा हिंदी अध्यापक कर्तव्य होता है कि उनको इस बड़े अच्छे से अच्छे साहित्यिक पुस्तकों को नाम बताएं, जिससे बच्चे जो अपने घर पर रह के सुरक्षित रह के उन साहित्य का अध्ययन करें और अपने अंदर जो सामाजिक विशेषता को विकास कर सकें। और जो इसके साथ साथ अगली विशेषता है कि बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना, मनी अर्थात जो है महान महान जो पुरुष हैं उनके किताबों के, उनके जीवनी के बारे में, उनके पुस्तकों के बारे में बालकों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देना, और अंत में उन्हें भावानुकूल भाषा का प्रयोग, स्वर निर्माण और अंग प्रत्यंग का विवाह विषय में भी चर्चा करना, जिससे कि बालक विभिन्न प्रकार से अपने आप को प्रवर्तन कर सके। इस प्रकार हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी। बाकी जो है शेष हम अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।